हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे गाइस। अभी के बज चुके हैं 10। अभी मैं हूं अपने सैलून पर। आज आपको दिखाऊंगा अंदर से मैं सारा अपना सैलून, क्योंकि मुझे कमेंट बहुत आते हैं कि साहिल भैया अपना अंदर से सैलून दिखाओ, कौन कौन सी चीज़ें आपने रखी हुई है, कौन सी चेयर ली है, कौन सा काउंटर बनवाया है, क्या किया क्या नहीं किया। भाई इसी जरूर देखना, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आप देख सकते हो मेरा अंदर से कुछ ऐसे सैलून दिखता है, ठीक है, और मैं बाहर भी दिखाऊंगा आपको। पहले अंदर आपको दिखा देते हैं। और जैसा आप देख सकते हो, जो मैं नई वाली चीज़ लेके आया था, मैंने यहाँ पर लगवा रखी है, ठीक है। एक एक करके मैं सभी चीज़ें बताऊंगा आपको। अगर वीडियो बढ़िया लगी लाइक जरूर कर देना, ठीक है। सबसे पहले इस चेयर की बात करेंगे। कई भाइयों कमेंट भी आया कि साहिल भैया चेयर आपने कितने की लिया है। मैं पहले इसमें फीचर बताता हूँ, इसमें कौन कौन से हमारे को फीचर मिले हुए हैं ना। देखो गाइस, ये वाली जो चेयर है ना, एक पंप वाली है। अगर यहाँ से दबा के रखेंगे यहाँ से नीचे, तो ये ठीक है, डाउन हो जाती है, ठीक है। गाइस जो जी वाला लॉक लगा हुआ है ना, इसको डाउन करने के लिए आप आराम भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जी हो गया, एक तो जी वाला होगा जब हम शेविंग करते हैं, हमारे को दाढ़ी थोड़ी बनाते हैं, आपको तो पता ही इतना, ठीक है। बाकी जी वाला एक और सिस्टम, ठीक है। देखो, जब भी हम बच्चे की कटिंग करेंगे ना, बच्चे की कोई भी बच्चा आ जाता, ठीक है, बच्चा यहाँ तक आ जाता, हमारे यहाँ तक छोटा छोटा होता ना बच्चे, इसलिए ठीक है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। पर लेकिन ये निकल जाती है, देखो ये निकल जाएगी, आपको कैसे निकालू मैं, ये निकल जाती है, ठीक है, और आसान हो जाता है जल्दी हमारे को करने के लिए। देखो ठीक है, मैं इसको अभी डाउन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। कहाँ गया पैर इसका? हाँ, इस साइड में। देखो अब मैं करूँगा तो सीधा डाउन हो जाएगा, देखो डाउन हो गया ना, और जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे कैसे डाउन हो जाएगा गाइस। अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो यार ये मेरे को पड़ गई है 7,000 की, क्योंकि पहले बोल रहे थे 7,800 की, यानी कि यहाँ पर मेरे लुधियाने से मैंने ली थी, बस स्टैंड से मैंने, क्योंकि अलग अलग रेट है अपने, जैसा भी आप चाहोगे ना वैसे ही मिल जाएगा। अगर लाख रुपए की चेयर चाहोगे तो लाख रुपए मिल जाएगी, ठीक है। वो अपने ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कितने की ले सकते हैं, ठीक है। मेरी चॉइस थी जे वाली चेयर, तो यार बहुत अच्छी अच्छी पड़ी थी, पर लेकिन बजट भी अपना होना चाहिए, कितना है कितना नहीं है ना। अब जितना सैलून पे यार पैसा लगाओगे उतना ही कम है, डेकोरेशन जितनी मर्जी करवा लो आप, ठीक है, उतनी कम है भाई, ठीक है। जे वाली मेरे को अच्छी लगी थी, वैसे तो बहुत अच्छी अच्छी पड़ी थी, पर लेकिन मेरे को जी वाली चेयर बहुत पसंद आई थी, मैंने इसीलिए लेके आया, ठीक है। और दो चेयर लेके आया था मैं, देखो दोनों में यही फीचर है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा काउंटर की, ठीक है। जी वाला काउंटर मेरे फादर साहब जी ने बनाया था, यानी कि मेरे पापा जी ने बनाया था, जैसे मैंने पापा को बोला था सेम चीज़ ओसे बनी है, ठीक है। पर लेकिन देखो साइड में चैन वगैरह लग गई है, ठीक है, तुरंत ही अपने आप ही चल जाएगा, देखो ठीक है। बाकी जी वाला ठीक है, बाकी जी वाली पावे वगैरह ये आपको मिल जाएंगे मार्केट से, जैसे भी चाहोगे वैसे से मिल जाएंगे। बहुत डिजाइन के आते हैं, पर लेकिन महंगे भी होते हैं, सस्ते भी होते हैं। सस्ते लोगे तो आपको फिर दोबारा लगवाना पड़ जाता है, ठीक है, वो वाला काम मत करना। फिर दूसरी बात आ गई जी वाली, ठीक है। इसमें मैंने यानी कि अपना सामान सामान रख रखा है, यानी कि ट्रिमर वगैरह होगी आप देख सकते हो, ठीक है, सारा सामान यानी कि इसके बीच में ही होगा, ठीक है। और कैंची कुंची भी सारा इसमें मैंने रखा हुआ है, ठीक है। पहले मेरे ऊपर होता था, पर लेकिन ऊपर से यानी कि मैं इसमें ज्वाइन कर लिया, यानी कि आसान हो गया। अब कोई बंदा आएगा छेड़खानी नहीं करेगा मेरे काम को, यानी कि ठीक है मेरे सामान को। देखो बाकी मैंने इस वर्ड रखे, यानी कि जो जो मैं यूज़ करता हूँ पर्दा वगैरह कटिंग के लिए, मैं यहाँ पर रखता हूँ, ठीक है। और बाकी गाइस देखो, जे वाला मैं जो सामान यूज़ करता हूँ, ठीक है, मेरा जे वाला वहाँ पर आ गया, और ठीक है। तो बाकी मैंने थोड़ा सा काउंटर पर रखा हुआ है, तो दो गाइस मैंने देखो शीशे लगवा रखे हैं, जे वाले ना जो शीशे, देखो एक ये हो गया, एक दूसरा वाला हो गया, ठीक है, ये मैंने आगे लगवा रखे हैं, क्योंकि डिजाइनिंग वाले नहीं है, पर लेकिन थोड़े से ना नॉर्मल वाले लगवाए मैंने। इसके पीछे प्लाई लगवाई हुई है, मैंने प्लाई लगवाई है, ये भी पापा जी ने बनाया था, मेरे पापा ने बनाया था मेरे यहाँ पर। अभी मैं करवाऊंगा इसका, पूछ के आया था, थोड़ा ज़्यादा पैसा बोल रहा था, ठीक है, करवाएंगे जल्दी करवाएंगे यहाँ पर। नेट वाले आपको पता ही होगा, नेट वाले डिजाइन उस साइड में बॉन्डिंग पता नहीं क्या कह रहा था वो लगवाने के लिए, यानी कि जब कोई बंदा हाथ रखे तो कटना चाहिए ना, वो कह रहा था भाई नहीं तो ऐसे कट जाएगा, वो चीज़ें हैं। बाकी गाइस मेरी सबसे पुरानी ट्रिमर यहाँ पर, ट्रिमर लगा रखी मैंने, तो बाकी मेरा पर्दा आ गया, ठीक है, लाइट जग रही, ठीक है, ये लगवाई थी, पर लेकिन यार ये कम है यार लाइट, थोड़ा सा ना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जब भी कटिंग करते ना हमारे को थोड़े से प्रॉब्लम झड़ने पड़ती है, ठीक है। और जी वाला हो गया काउंटर, अब इसकी बात कर रहा हूँ, ड्रेल मैंने यहाँ पर लगवा रखी गाइस, ठीक है। और ये मिल जाएगी आपको मार्केट से, मिल जाएगी ये वाली, ठीक है, लगाने वाली मार्केट से मिल जाएगी। बाकी मेरा बिजली बोर्ड वाला इस सेट में जो चार्जर वगैरह ट्रिमर करते हैं हम लोग, वहाँ पर ट्रिमर रख के वहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, मैं पापा को बोला था ना, मैं कहा पापा जी ऐसे बनाओ, क्योंकि जब भी है ना मैं चेयर पर बैठूँ तो खाना खुना खाने के लिए आसान हो जाए ना। कोई बंदा आता है, वैसे भी ना मेरे चाहने वाले भी आते हैं बहुत दूर दूर से, थैंक यू आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो, ठीक है, बहुत खुशी होती है यार, बहुत खुशी होती है ना, आप इतनी दूर से
ठंड के बीच में आते हैं यार, हम बहुत प्यार दिखाते हो। शुक्रिया भाई इतना प्यार देने के लिए, ठीक है। और जी वाला हमने पापा को बोला था कि पापा जी ऐसे लगा दो, ठीक है, पापा ने वैसे लगा दिया। अगर इसको बीच में करूँगा, जी वाला मेरा गला आ गया, ठीक है, वहाँ पर मैं पैर नहीं रखता हूँ, ठीक है। और इस साइड में भी जैन किस्मान से रख लेते हैं, ठीक है। और देखो अब आगे जी वाला मैंने लेके आया था, गंगू बोलता कि भैया सामान लेने गए थे मार्केट से, गंगू बोलता भैया ये भी ले लो, ये क्या चीज़ है। मैं कह यार ये तो स्टीमर है, यानी कि पानी पूरी गर्म करने के लिए, और ये गर्म करने के लिए होता पानी, ठीक है। बाकी का जी वाला मेरा सारा इस साइड में आ गया, ठीक है, आप देख सकते हो जितने मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, सारा मेरा इस साइड में आ गया, ठीक है। जो जी वाला दिया आपने बहुत प्यार किया, यही तभी आया मैंने तो, है ना। शुक्रिया भाई यार इतना प्यार देने के लिए, अब ठीक है, ये आप लोगों के लिए ही आया है मेरा, ठीक है। सिल्वर प्ले बटन वाली जो चेयर मेरी बहुत पुरानी है, आप देख सकते हो पिछली वाली वीडियो में देखना आप, जी वाली चेयर थी मेरे उस टाइम, ठीक है। एक जी वाली, हाँ मैं बताता हूँ, सबसे पहले मैं बताता हूँ, जी वाली जो चेयर थी सबसे पुरानी है, ये मेरे बड़े वाले भाई के पास थी ये वाली, ठीक है। इसी से मैंने काम सीखा था, इसी से मैंने काम सीखा था, कम से कम आज से हो गए 7 साल हो गए होंगे मेरे हिसाब से, इससे मैंने काम सीखा था। जी वाली कुर्सी है ना वहाँ पर लगी थी, वो पहली वाली, जब वो पहली कुर्सी ना वहाँ पर लगी थी, ठीक है। और उसके बाद जी वाली जो कुर्सी है यहाँ पर लगी थी, ठीक है। अब दो नए वाली कुर्सी लेके आ गया मैं तो, ठीक है, एक को उसको साइड में रख दिया पुरानी को, और दूसरा यहाँ पर रख दिया, यानी कि यहाँ पर बैठ के आराम रूम कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नहीं बैठता हूँ, पहले बैठता था, अब छोड़ दिया मैंने बैठना उठना यार, ठीक है। पहली कुर्सी पे बैठना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि कस्टमर के लिए होती है स्टार्टिंग में, सुबह सुबह बैठना नहीं चाहिए भाई, ठीक है। बाकी गाइस दो शीशे मेरे पीछे लगे हुए हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, मैं उस साइड में दिखाता हूँ आपको, देखो, ठीक है, दो शीशे मेरे पीछे लगवा रखे हैं, एक लाइट ऊपर लगवा रखी है, यानी कि यार लाइट थोड़ी सी कम है पर लेकिन लगवाते हैं इसको, ठीक है। और बाकी पानी पुनी का वहाँ पर आ गया, ठीक है, ये वाली मैंने सेठ ही बनवाई थी, आपको पता ही है, ठीक है। इसका यार मैं कपड़ा सा बदलने वाला हो गया, पापा को बोला मैंने, पापा ये बदल दो उसको, है ना, पापा बोलते कोई नहीं बदल देंगे, बदल देंगे, ठीक है। बाकी का इसमें ऊपर फाइन, ठीक है, गर्म हवा निकालने के लिए, गर्मी को, यानी कि इसलिए मैंने गर्मी के लिए लगवाया था, ठीक है। बाकी मेरा रिंग लाइट आ गया इस, देखो जी भाई रिंग लाइट, ठीक है। और आज मेरे भगवान जी अगर जहाँ पर मैं पूजा करता हूँ, ठीक है, करो दर्शन शेरा वाली माता के, जय माता दी, ठीक है। बाकी यहाँ नकोदर वाली सरकार जी, ठीक है गैस, ऐसे कुछ दिखेगा मेरा सलून अंदर से, देखो, ठीक है। और वाल पेपर मैंने लगवाया था अपने फ्रेंड से, ये वाला अच्छा लगा था मुझे, मैंने लगवा लिया था यही वाला, ठीक है, आप देख सकते हो इस साइड मेरा अपना नाम मेंशन करवा लिया था, बाकी उसके हिसाब से अपने हिसाब से लगा दिया, कैसे भी लगा, बहुत अच्छा लगा वैसे भी। और बाकी इस साइड में आ गया, देखो, ठीक है, देख सकते हो, ठीक है, जे वाली सेठ ही बनवाई थी, पर लेकिन इसका कपड़ा बदलाना था, ये भी है, कोई नहीं, एक दो दिन में बदल जाएगा अभी, है ना। बाकी मेरा भाई फिर सेट में लगा हुआ है, बाकी गाइस ऊपर वाली कटिंग देख के कोई भी कस्टमर करवाता है मेरे से, वही हम लोग करते हैं ना, आप देख सकते हो। इस साइड में हम गाइस मैंने पर्दे लगवा दिए, इस साइड में लगवा दिए, अब आपको दिखाता हूँ मैं बाहर का सीन, ये मैंने जब मैंने पेपर लगवाया था उससे पहले का, यानी कि मैंने जी वाला वाल पेपर लगवाया था ये वाला, ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर भी देख सकते हो, देखो ऊपर भी साहिल छू लिखवाया हुआ मैंने ना, और ठीक है इस साइड में मैंने पेपर लगवा रखा था, ठीक जी। और देख लो जी वाला गंगू, देखो क्या कर रहा, सारा दिन ना आग ही तापते रहता, आग ही तापते रहता, आग ही रहता, देखो गंगू को काम गुम कर लिया कर, काम दिखते नहीं है, ऐ देखो ये बंदा मेरा कस्टमर ही है, कैसे हो, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, ये बंदा कस्टमर अपना अभी हमारे पास काम पे आता, ठीक है। इस वाला रोड आ गया मेरे पास, जी वाला रोड हमारा, ठीक है, वहाँ पर पानी पूरी गिरा हुआ है यार थोड़ा सा, चलो भाई जब तक लिए, ये मेरा अंदर से कुछ गाइस ऐसे दिखता है, ठीक है, देखो, ठीक है गाइस, ये है मेरा गरीब बंदे का सलून, ठीक है, गंगू भी यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, गंगू बाइकर, ठीक है। आपने मेरा सलून अंदर से देख लिया, कैसे लगा प्लीज लाइक कमेंट जरूर करना, अगर ब्लॉग वाले चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, आपको ऐसी वीडियो देते रहेंगे हम, जब तक के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग पर फिर मिलते हैं, धन्यवाद, बाय कर भाई, आए।